वो बच्चे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए पूरा ये सेंटर है। नाम है प्रेरणा कोचिंग सेंटर एवं कौशल विकास केंद्र, जो कि जिस संस्था के द्वारा चलाई जाती है। और ये पूरा सिस्टम चलता कैसे ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग को क्या चाहिए होता है जब भी कोई किसी भी एकेडमी को जब आप ज्वाइन करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, आप कोशिश करते हैं कि अलग अलग संस्थाओं को आप ज्वाइन करें जहाँ से आप पढ़ें और पढ़ करके सरकारी नौकरी निकालें, तो आपको ज़रूरत पड़ती है मास्टर्स की। मास्टर मतलब टीचर्स, फैकल्टी की, वो फैकल्टी जो आपके साथ खड़े हों और खड़े होकर के आपको सही प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। और आप और क्या देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं रिजल्ट है भी या नहीं है। और ये बहुत खास चीज़ आपको अलग नज़र आएगी आपको यहाँ पर, कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कुछ भी एक भी रुपया खर्च नहीं करते, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिलती है, सबसे बड़ी चीज़। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के बावजूद अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें तो कैसा रहेगा। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन बच्चों से हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रजीत कुमार। प्रजीत जी, आपका भी रिजल्ट्स जो है सुनने में आया कि आपने क्वालिफाई किया, बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या आपने क्वालिफाई किया? जी सर, मैंने लोअर पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है जिसका मेंस अभी 28 तारीख में अक्टूबर में होने वाला है। और सर, जैसे कि मैं यहाँ पर आने से पहले मैं घर पे स्टडी करता था, लेकिन वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए गाइडेंस। मुझे कुछ नहीं पता था पीसीएस होता क्या है, मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था। लेकिन मुझे जो अरे वो एक अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे मुझे इस संस्था के बारे में पता चला और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हाँ, जब तू एंट्रेंस एग्ज़ाम डेवलप कर मतलब क्रैक कर सकता है तो कोई एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो टीचर्स ने मुझको यहाँ पर गाइड कराया पढ़ाया, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मतलब तारीफ़ करने के लिए इतनी तारीफ़ करो बस कम ही है सर। और जो है मैंने फर्स्ट टाइम में ही मतलब पीसीएस क्रैक कर दिया, तो मुझको बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मुझे लगा कि हाँ, टीचर्स भी बहुत बेस्ट हैं, स्पेशली हमारे जो अर्जुन सर है, हिस्ट्री मतलब पढ़ रखी थी बट वो वाली हिस्ट्री नहीं थी, मतलब जो हमें डीपली पढ़ाई गई, पूरा इतिहास पढ़ा दिया गया, हमें बता दिया गया इतिहास होता क्या है, वो हमारे अर्जुन सर ने बताया। और हमारे पंकज सर स्पेशली उत्तराखंड के, मैं तो मानता नहीं उनसे स्पेशल कोई होगा यहाँ पर, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है सर, बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत से सर हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको मतलब और भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मेरे तो टोटल जब से मैं यहाँ पे आया मुझे तो गाइडेंस इतनी अच्छी मिले, मुझे तो अब ये लगता है बल्कि कि मैं कोई भी एग्ज़ाम आ जाए अगर मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ सर, तो मेरे लिए तो ये एक भगवान से कम नहीं है इंस्टीट्यूट। और सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट गरीब बच्चों के लिए चला रखा है, जो बच्चे मतलब उनके अंदर अगर टैलेंट है भी वो दिखाए कहाँ, ये जो सरकार ने इंस्टीट्यूट चला रखा है इससे तो बस ये समझ लीजिए एक वरदान साबित हो चुका है, बस यही है सर। आपको सचिन तेंदुलकर बनना है ना, तो आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, वो ग्राउंड आपको यहाँ मिल गया है। और पहला रन जब आप लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दूसरा रन भी ले सकते हैं, फिर आप सिक्स भी मार सकते हैं। ज़रूरी क्या है उस कॉन्फिडेंस की, जब आपको आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा तब सबसे बेहतर काम होगा। इन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाई योर सेल्फ, मतलब दरवाजे गाइडेंस जो उन्होंने बोला, गाइडेंस आपको टीचर दे रहा है, जाना आपको पड़ेगा, रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। आपने क्या क्या क्वालिफाई किया आपने? सर, मैंने टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अभी सी टेट का है, यू टेट का है, अभी यू पी टेट का भी क्लियर कर लिया है। तो मैंने यहीं प्रेरणा कोचिंग में ही आपके यहाँ पे कोचिंग को स्टार्ट किया, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर फेल किया। हमारे जो चमोला सर हैं और जो सुभाष साके सर हैं उनकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, कि हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी जितनी भी हमारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम अपने आप को वीक समझते हैं या हमारी ज़रूरत है, हम उसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है उनके लिए संस्था है। और इस संस्था को लेकर के मैनेजमेंट से भी बात करूंगा, फैकल्टी से भी बात करूंगा, जिन फैकल्टी का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए मुझे आपका क्या 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 क्रैक किया आप? मेरा नाम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरा नाम विकुल कुमार है। मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है जिसमें अब सिलेक्शन ही होने वाला है। इससे पहले मैंने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी सीएचएसएल वगैरह के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। एक साथ इतने सारे एक साथ हैं और सारा गाइडेंस आपको यहीं से मिला?
जी सर, जब मैंने स्टार्टिंग फेज़ में था, कोई भी कैंडिडेट होता है इनिशियल, वो जब स्टार्ट करता है तो वो इस चीज़ में ज़रूर भ्रमित हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, गाइडेंस कहाँ से हमें सही मिलनी चाहिए। और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो प्रेरणा कोचिंग सेंटर है, यहाँ के जो भी शिक्षकगण और जितने भी आदरणीय व्यक्ति यहाँ पर हैं, जो सरकार के द्वारा इस सुविधा को जितने भी गरीब बच्चे या फिर इकोनॉमिकली जो मतलब बैकवर्ड हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बढ़िया प्लेस है। टीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो जो सर हैं हमारे यहाँ पर पंकज सर, वो इतनी अच्छी उत्तराखंड पढ़ाते हैं, जो मैप है नक्शा होता है उसके थ्रू ही वो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देते हैं, मानो जैसे कि सिक्स और फिफ्थ क्लास का हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हों। उसके बाद इंग्लिश वाले सर, इंग्लिश की जब बात आती है तो वो कैब का नाम सुन के ही बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है कि हाँ हम इतना सब कुछ कैसे याद करेंगे, इतने idioms वगैरह हैं, vocabulary है, पर सर का जो तरीका है ट्रिक्स वगैरह वो बताते हैं किस तरीके से हमें याद करनी चाहिए, तो उनमें फिर एक तो डर होता है, एक हम दबाव में तैयारी करते हैं, बट उसके बाद फिर मज़ा आने लगता है तैयारी में कि हाँ अब तो ऐसा मिल रहा है, सर ने ये ट्रिक्स बताई है, तो उनको पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब जीएस की बात करें तो अर्जुन सर हिस्ट्री, वो खुद भी इतने रिनॉन पर्सनैलिटी हैं और जो उनका पढ़ाने का तरीका है, हिस्ट्री सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं कि सिंधु सभ्यता वो पता नहीं क्या काम है पढ़ना पड़ेगा, बट नहीं, सर ने जिस तरीके से पढ़ाया, मैं भी शुरू में मुझे ही ऐसा लगता था कि हाँ हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट व्हेन आई केम हियर एंड आई स्टडी फ्रॉम हिम तो मेरे भी ये विचारधारा बदली, और जो उनका तरीका है वो इतना आसान है कि हमें हिस्ट्री से प्यार होने लगता है, जैसा हम ऐसा लगता है कि सपोज इसको इतिहास नहीं है बल्कि हम वर्तमान में ही जी रहे हैं, उन सब चीज़ों को इमेजिन करवाते हैं सर कि किस तरीके से पुरानी चीज़ें रही होंगी, पुराने लोग क्या करते होंगे, मानो जैसे एक पिक्चर सी चल रही हो, तो पढ़ाई जैसा क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। तरीका इतना बढ़िया है टीचर्स का पढ़ाने का कि मानो देखते ही बनता हो, किसी को भी अगर हम ला के बैठा देंगे, कोई कैंडिडेट भी ना हो, तो उसको भी मज़ा आने लगे, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं। तो इस प्रेरणा के पीछे कौन सी प्रेरणाएँ काम करती हैं उसको समझना ज़रूरी है, यानी हम बात करेंगे मैनेजमेंट से, और हमारे साथ हैं सर संतोष चमोला जी। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि नाम तो प्रेरणा है सर, इन्होंने बच्चों ने साफ साफ बता दिया कि प्रेरणा मिलती है ना, तो नाम को भी पूरा साकार करने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी, जैसे कि प्रेरणा प्रबंधन का हिस्से के रूप में मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है, तो बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करने का सबसे बेस्ट मीडियम होता है कोचिंग, और बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी पर्सनैलिटी में उनको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या कमियां हैं, तैयारी कैसे की जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उनमें क्या इनपुट्स हैं और क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, इन सब पे हम वर्क करते हैं, और समय समय पर इनके सजेशंस भी हम लोग इनपुट के रूप में लेते हैं। और 2017 नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी और आज जो है इसका 6th बैच यहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था वो आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सोचने लगा है कि हाँ हम भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो था सब, जैसे आपने बोला शुरुआत हुई, मैं एक सवाल है कि ये जो बात कुछ बच्चों से हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब हम एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसी एंट्री नहीं होती है, उसके पहले भी कुछ बैरियर्स आप लोगों ने लगा रखे हैं, वो उन बैरियर्स के बारे में जानना चाहूँगा मैं। इसमें क्या है सर कि फर्स्ट बैच से ही हमने एक ओपन फोरम लिया, उसमें एक इतनी सी बात थी कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो एक क्राइटेरिया के अनुसार न्यूनतम हो। उसके बाद हमने एक प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से 100 सीट्स अकॉर्डिंग टू आवर अकोमोडेशन, यहाँ 100 बच्चे बैठ जाते हैं, तो उसके अनुसार हम 100 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। इस संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न लेक्चर रूम अवेलेबल है, साथ ही साथ लगभग 8000 से अधिक किताबें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है, और ऑनलाइन सर्चिंग के लिए भी नेट सुविधा के साथ लैपटॉप उपलब्ध है ताकि छात्र छात्राएं अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। उद्देश्य ये है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको ही आप एंट्री देंगे। सुभाष सिंह शाक्य जी हैं, अपर जिला अर्थ एवं सांख्य अधिकारी हैं। तो सर आपसे जाना चाहूँगा कि ये बैरियर क्यों लगा रखा है सर आपने, ये जो जिसके पास पैसे हैं वो आकर के अगर पढ़ना चाहे यहाँ तो क्या करेगा सर? बेसिकली जैसा कि बच्चों ने भी बताया, और बेसिकली जब हम लोगों ने इसको प्लान किया था, मींस हम लोग मींस जिला प्रशासन हरिद्वार ने जब ये प्लान किया था, तो एक ये था कि जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में आप जान रहे हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, और जहाँ पर इस तरह के
जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती हैं, ये तो हमारी स्टेट की सबसे हाईएस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी है, लेकिन यहाँ एक हम लोगों ने फिर रियलाइज किया, और वो भी तत्कालीन जिलाधिकारी आदरणीय श्री दीपक रावत जी और तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया, ये बेसिकली उनके द्वारा ये इनिशिएटिव एक प्रारंभ किया गया था जनपद हरिद्वार के बच्चों के लिए। एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ के सिटिंग मुख्य विकास अधिकारी महोदय होते हैं। अभी इस समय जो हमारा उत्तराखंड का पुलिस का एक भर्ती का अभियान चल रहा है उसमें हमारे 25 बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं, बट जस्ट वो एकदम फिनिशिंग लाइन पर हैं, और वो अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देन दे विल गेट। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे अगर हम किसी कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, मतलब एक निशुल्क शब्द अगर हम हटा दें कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के बच्चों के दिमाग में फीड होता है कि हमें बहुत सब कुछ बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते हैं, तो ये एक अब स्कूल में विद्यालय में स्टार्ट करने के पीछे का पर्पस मैं जानना चाहूँगा। चूँकि ये हम इसको CSR आधार पर चला रहे हैं, इस समय हमारा जो CSR पार्टनर है वो ONGC देहरादून, वो हमें फंड कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोग बैंक्स और यहाँ जो हमारी सिडकुल में कुछ कंपनियाँ हैं उन लोगों ने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे हमारा जो है आगे हम लोगों ने प्रयास किया तो हमारा ONGC के साथ MOU साइन हो गया है, तो वो हमें एनुअल जो है 800,000 पर NM के हिसाब से वो हमें फ़ंड अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे हम बच्चों को निःशुल्क ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी सुविधाएं हम उनको देने में सक्षम हो पा रहे हैं। बच्चों के एडमिशन के लिए तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, वो टीचर्स जो डिसाइड करते हैं, आप उसके लिए कुछ आप बताएं। एक चयन समिति है मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जैसा देख रहे हैं अगर हमारे बच्चों से भी कभी बात करेंगे तो यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है देहरादून और अगर हरिद्वार रुड़की सब जगह अगर हम आप देखें। इस संस्थान में ये सौभाग्य हमें मिला कि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री दीपक रावत जी ने एक हमारे कॉलेज में वो असेंबली में पहुँचे थे और उन्होंने अचानक ही अपने आप कहा कि गौनियाल जी मैं ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला जाए। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, कहने आप पे अकोमोडेशन है? मैंने कहा हाँ सर है। उनको मैंने आकर के दिखाया, थिएटर दिखाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा इसमें निशुल्क हम चलाना चाहते हैं बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए खासकर। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने उसी टाइम मेरे ऑफिस में बैठ करके ही तुरंत स्वाति भदौरिया मैडम को, जो कि CDO थी, उनको तुरंत इमीडिएट उन्होंने बुलाया। 15-20 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं चाहता हूँ वो आप प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ करके उसके बारे में आप वो बना लीजिए, रूपरेखा बना लीजिए, और प्रिंसिपल साहब ने हाँ कर दिया है तो अब ये इमीडिएट मुझे चाहिए। तो अब मुझे नहीं मालूम था उस समय कि उनके हस्बैंड जो हमारे उसके SDA के VC भी थे और नगर निगम के हमारे जो है MNA थे, मुख्य नगर अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं, ये कॉलेज तो हमारे हस्बैंड जो हैं उनका भदौरी जी का वो मैनेजमेंट है उनका। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो हो गया, फिर तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं, यदि उनकी हाँ हो जाएगी तो हमें, लेकिन उनसे हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे कहा तो उसके बाद तुरंत ही जो है ये काम, और ये समझिए कि आप एक महीने के अंदर सारा कुछ हमने ये कर करके और इंस्टीट्यूट जो है चालू करवा दिया। बाकी जो इसका जो भी CSR से हुआ ये सब प्रशासन ने किया, और हमारी तरफ से एक यही था कि जो है हम एक नई चीज़ जो शुरुआत हुई वो हमारे कॉलेज से हुई, और इसके लिए हम जो है जल प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हैं। अब वो नेक इरादों के बाद लोग कैसे साथ में जुड़ते हैं, ये पूरी कहानी प्रेरणा निशुल्क कोचिंग सेंटर की है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चे ने बताया कि इंग्लिश फैकल्टी वो ऐसे पढ़ाते हैं कि बिल्कुल सब कुछ वोकैब्स कई बार बच्चे रट नहीं पाते, दिमाग में फीड नहीं होता, वो टेक्निक के बारे में जान लेता हूँ। फैकल्टी की बात कर रहा था, फैकल्टी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे पढ़ाते हैं सर आप, जैसे क्योंकि इन्होंने बोल दिया बहुत बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं आप। सर मैंने 1997 में स्टार्ट किया था टीचिंग, तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन हाउ कैन आई गिव टू अदर्स। तो उस टेक्निक में मैंने वर्क किया सर, ट्रिक्स बनाई हैं मैंने पढ़ाने की। जैसे एक दो ट्रिक्स कुछ वैसा बता सकते हैं, लगा जैसे अगर जो मान लो जैसे प्रेरणा किसी को नहीं पता है, तो अगर एक लैंडमार्क बना दिया जाए जैसे कि भल्ला कॉलेज में, तो भल्ला कॉलेज पहुँच के कोई भी प्रेरणा में आ जाएगा। तो जैसे कि एक वर्ड है इटिनरेंट, एक वर्ड होता है सर, तो एक महिला अगर जो दूसरी महिला से बता रही है कि मेरे हस्बैंड के 300-400 रुपये डेली रेंट में लग जाते हैं,
तू महिला सुन के बोली इतना रेंट 18 रेंट इतना रेंट तो काहे में लग रहा है उसका इतना रेंट, ट्रैवलिंग कर रहा है वो, तो इट मीन्स ट्रैवलिंग लाइफ स्टाइल के हम कह सकते हैं ही लाइक्स इट इन रेंट लाइफ स्टाइल। तो उस टर्म में बहुत सारे से वर्ड्स हैं। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं सर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ जी। कैसे क्या टेक्निक है, और आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़ाना आपके लिए ठीक है, अच्छा है, या और जैसे होता है कि बहुत से जब फैकल्टी जब कोई टीचर पढ़ाना शुरू करता है उसकी भी इच्छाएं बहुत होती हैं सर, तो वो इच्छाएं पूरी हो पाती हैं? देखिए इच्छाएं अगर शिक्षक रखेगा तो कभी पढ़ा नहीं पाएगा। शिक्षा का जो एक प्रोफेशन कह लो या आप कुछ कह लो, वो मेरे हिसाब से एक सेवा है, और जब व्यक्ति सेवा देगा यदि वो मन में इच्छा रखेगा तो कभी सेवा नहीं दे पाएगा, वो कभी सेवा कर भी नहीं पाएगा। तो हमारा यहाँ से जो जुड़ने का मकसद था 2018 से वो सेवा भाव से था, और आज भी जैसे सर कहते हैं वो सेवा भाव ही है। हमने कभी यहाँ से ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रखा कि हमें कुछ प्राप्त हो। हमारा जो उद्देश्य था और आज भी यही है कि हम बच्चों को अपने इस लायक बने, इस काबिल बनाएं कि वो आगे जाकर दूसरे की सेवा कर सकें। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना सबका लक्ष्य होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के बाद क्या किया जाए? आपका लक्ष्य था, मंजिल थी कि हमको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हमको चाहिए फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी, वो आपको मिल गई, उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये है कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया कि आपकी हमने कुछ सहायता की, सेवा की, आप भी अगले वाले को इस लायक बनाइए कि वो अगले की सहायता या सेवा कर सके। रही मेरे विषय की बात पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस का नाम सुनकर लोग राजनीति से सीधा जुड़ जाते हैं, यह बड़ा समस्या इस विषय के साथ में रही। लेकिन मेरी ये समस्या नहीं है, मेरा एडवांटेज है। मैं बच्चे को, जो मेरे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है, मैं उसे इस विषय के साथ जो उसके सामान्य अधिकार भी हैं, क्योंकि इस विषय के अंदर अधिकार भी आते हैं, जागरूकता भी आती है, और हमारे समाज के अंदर सोशल मीडिया की तो जागरूकता सबके पास में है, लेकिन अपने अधिकार की जागरूकता, अपने जो कर्तव्य हैं उनकी जागरूकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस से कभी शुरुआत नहीं करते, हम बच्चे की जागरूकता से शुरुआत करते हैं कि आप इस विषय को जो पढ़ रहे हैं इससे आपको पढ़ने को क्या लाभ होगा, क्या आपको प्राप्त होगा, और एग्ज़ाम में तो जो आपके आएगा ही आएगा, आपके जो दैनिक जीवन में प्रयोग आपके आने वाला है, आपके अधिकार एक समाज के अंदर, एक मार्ग पे, एक कार्यालय के अंदर आपके अधिकार क्या है, समाज के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है, हम यह भी सिखाते हैं। तो ये बात विवेकानंद जी भी कही है कि किताबी ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो हम यह किताबी ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि आपका जो ये किताबी ज्ञान है व्यवहार में आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। यहाँ की रेगुलर व्यवस्था, अगर मैं कहूँ कि रेगुलर व्यवस्था, प्रशासन के तौर पर आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं वो एक अलग है, और जो ONGC फंड देता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक अलग है, लेकिन जो रेगुलर व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं आप, तो मुकुल जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? क्या होता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं उसको लेके, और हमें क्या है कंपटीशन मीट करना होता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन आपको मतलब बहुत चीज़ें मानता है। दूसरा क्या है कि बच्चे के मन में एक बाहर से ऐसा डर बिठाया जाता है कि एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट चलाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं भी जाएंगे तो वो अलग बैच बना के उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये रहता है कि हमारे पास एक ही बैच रहता है, एक ही स्टूडेंट रहते हैं, और जितने कंपटीशन अभी रहते हैं उसमें चाहे SSC रहे, सेंट्रल एग्ज़ाम जो भी रहे, और चाहे हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम रहे, हमको उन सब में मतलब उन बच्चे को अपेयर कराना होता है। एक बच्चा यहाँ पे जो 6 से 8 महीने यहाँ पे कोचिंग करेगा तो वो उस 6 से 8 महीने में उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता है, और उसके लिए उसको दूसरी जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला एग्ज़ाम आ गया तो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हमने बाकी सारे सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्टिव तौर पर हम लोग पढ़ाते हैं। उस सब्जेक्ट में ये होता है कि जैसे अगर जो हमारा वन डे एग्ज़ाम्स है और PCS एग्ज़ाम्स है वो मतलब कोई दूसरा बताएगा तो वो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट हमने क्या कर रखा है कि उसका आप अगर बेसिक पढ़ लेंगे तो वो वन डे एग्ज़ाम्स के लिए है, और उसी की अगर आप डिटेल्स पढ़ लेंगे तो वो आप इजी में आप उसका PCS आराम से दे सकते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं सर यहाँ? मैं हिस्ट्री और GS के जो सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि हम रैंडमली चेंज करते हैं, जो भी अच्छा होता है उसे हम अच्छा देने का प्रयास करते हैं एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री की बात की, जब बच्चे से बात कर रहा था जिसने क्वालिफाई किया, उसने कहा कि हिस्ट्री हमें ऐसी पढ़ाई जाती है जैसे लाइव चलती है बिल्कुल, तो कुछ ज़रूरी अगर मैं कभी बीच में आ जाऊँ, अगर मैं सीखने, मुझे लगता है हमारे दर्शक अगर कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट समझना चाहेंगे, जब भी कोई ऐसी बात होती है, बाबर की बात होती है, हुमायूं की बात होती है, उसके पहले भी जब जिस तरीके से भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया गया, ये सब चीज़ें अगर आपके थ्रू पढ़ा जाए तो बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। जी वो बिल्कुल ईजिली है और वो आपके लिए भी वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए। एक्चुअली दरअसल ये है कि हमें मोस्टली जो चीज़ समझाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं
समझाई गई हैं और समझाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं मिस गाइड के साथ भी हमें समझाती आए हैं मतलब पहले से ही, तो थोड़ा सा ये है कि हमारा हम सही रास्ते के साथ और सही नॉलेज के साथ यदि अगर हम उस चीज़ को बताएं कि आज के वेव से कि हम किस तरीके से इस चीज़ को करते हैं और क्या हमारा जो बीता हुआ कल है वो क्या रहा है एक्चुअली, वो उसके पीछे का प्रस्पेक्टिव क्या था, वो चीज़ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ईजिली बन जाती है बच्चे के लिए। कि हम कि आपको पर्सपेक्टिव जो भी इतिहास में घटनाएं घटी हैं उसका पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा होगा तो फिर कंट्रोवर्सी तो बनेगी बनेगी और ऐसा होता है और जनरली हमारे साथ मतलब ऐसा नहीं होता, बच्चे के साथ भी हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट बन जाता है और हम भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाते समय हम नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो फिर बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा। इस विषय को पढ़ने से पहले कुछ प्री माइंड सेट भी ज़रूरी होता है जो आप शायद आप ऐसा सर्च करते हो कि बच्चों के पास एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज तो हो। नहीं मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब अच्छा फ्रेश हो कैसे भी हो कोई नॉलेज नहीं है तब भी चलेगा, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो एक बेस ढांचा है और एक एडवांस जो सिस्टम है वो इस तरीके से अपने आप मतलब मेहनत करके बहुत सारे मतलब जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं ऑलरेडी मोस्टली जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो हमने उसको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि ईजिली अगर कोई फ्रेशर भी है हम उसको भी बहुत ही ईजिली टॉकिंग अप वे में हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक ढांचे से लेकर और एडवांस तक हम उसे आराम से पिकअप करा सकते हैं देन कनेक्टिविटी के साथ। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, आप सरकारी जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ कि फैकल्टी आपके साथ उसी उत्साह उसी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड पढ़ाते हैं तो किस तरीके से कुछ नयापन देने की कोशिश करो? सर नयापन तो उसके सर जो ड्राफ्टिंग के माध्यम से बोर्ड पे, उसके बाद जो उसकी सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस सेट। मान हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमने जो है चैप्टर ख़त्म किया, अब दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो समझ नहीं आएगा आपको जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप एक दो बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो देन बेटर वो एक अच्छा हो सकता है आपका। तो अगर आपको कोई भी कहना सब्जेक्ट अपना अच्छा बनाना है किसी भी जो आपको जो अपनी जो पकड़ बनानी है तो उसकी प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा चीज़ जो है मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है। आपने बच्चों को पढ़ाया और आपने वही टॉपिक जो आज ख़त्म किया है कल के लिए आपको आपने उन्हें दिया कि ये टॉपिक आपका कल टेस्ट होगा, तो बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो प्रैक्टिस सबसे अच्छा एक जो है सोल्यूशन है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यही इन्फॉर्मेशन जो हमने सोचा कि आपको दें, एक ऐसा कोचिंग सेंटर जो आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और साथ में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार आप मिलिए, पूरी टीम से मिलिए, मिल करके आपको शायद ऐसा लगे कि आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक फैकल्टी मैं समझता हूँ कि एक यंग एज में है, उत्साह अलग है, मैनेजमेंट अपने आप में जैसा इन लोगों ने कहा कि कोऑपरेशन करने वाले, तो ऐसा मैनेजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। और कहते हैं जब नेक इरादे हों तो और रास्ते खुलते चले जाते हैं, अगर आप नेक इरादे के साथ आएंगे तो आपकी भी जो बहुत सारी समस्याएं होंगी उसका समाधान होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस एकेडमी में आकर के एक बार आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से यहां का पूरा स्ट्रक्चर है और वो जो आप रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं वो रिजल्ट भी हमने आपको दिखाया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते रहेंगे, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप।